Hello everybody, today we'll begin with the first chapter of chemistry, that is basic concepts of chemistry. हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चैप्टर में हम किस किस बारे में बात करेंगे. The very first is the fundamental properties of any atom. कि atom से related जो fundamental properties होती है जिन्हें हम बात करते हैं तो atomic number, mass number, molecular mass, empirical formula, molecular formula. These are some basic aspects, ये एक part है इस chapter. दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कंसंट्रेशनल टर्म्स के बारे में कि मैं मेजरमेंट जो होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो केमिकल्स के मेजरमेंट होते हैं वो किन टर्म्स में करता हूं उनको हम अच्छी तरह समझेंगे. कैसे वो मेजरमेंट्स करते हैं उनको हम अच्छी तरह समझेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने बात 9th 10th में पढ़ी क्यों, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिविजन के तौर पर बताना चाहूंगा कि मेरा एटम कुछ इस तरीके का दिखता है. ये जो होता है सेंटर में जिसको शेडेड पार्ट की तरह दिखाया गया है यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं. प्रोटॉन्स को आप जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है. और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किल और एक चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. जैसे कि आप लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो आप उसको हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे सन, सन द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, उस सन के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, वेरियस प्लैनेट्स यूज टू रिवॉल्व अराउंड द सन. सो इट्स द सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट वे कि दिस इज माय न्यूक्लियस, इसमें मेरे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं और इस न्यूक्लियस के चारों ओर मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारा एटम एट द अल्टीमेट स्टेज इज फाइनली न्यूट्रल. तभी तो जिस टेबल पे बैठ के आप लोग लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो टेबल भी अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ एटम्स ही है, कि वो भी अल्टीमेटली एटम से ही बनी हुई है. बट आप लोग किसी भी तरीके का चार्ज जो है वो महसूस नहीं कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि उन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज है दोनों आपस में इक्वल है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब एक दो और बातें हैं जो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक रिविजन के तौर पर बता रहा हूं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में या किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करूं कि वो एटम जिससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो पाएंगे. पहली बात. दूसरी बात ये कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है. इस न्यूक्लियस जो कि एक एनर्जी शेल के अंदर पैक है, उस न्यूक्लियस के अंदर मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो मैं किसी भी तरीके से प्रोटॉन्स को ना तो बाहर निकाल सकता हूं ना अंदर डाल सकता हूं नेचुरल वे. पर मैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि बिल्कुल ओपनली उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं उनको बाहर भी निकाल सकता हूं और ऐड भी कर सकता हूं एटम के अंदर. वो डिपेंड करता है उन प्रोसेसेस के बारे में हम आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. बहुत आसान होता है, जस्ट माइन्यूट एनर्जी ट्रांसफर यानी एनर्जी के ट्रांसफर की मदद से हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसको ऐड भी कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. सो यस प्रोसीडिंग फर्दर. सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी मैं देखूंगा वो आप लोग सुन चुके होंगे पहले भी, फिर भी फॉर अ रिविजन, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसके मेजरमेंट को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं. अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रोटॉन्स के बराबर ही है, देन व्हाई आरंट वी मेजरिंग द एटॉमिक नंबर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हम फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर को क्यों नहीं एटॉमिक नंबर कह रहे हैं. तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वी कैन वेरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनके नंबर से छेड़छाड़ कर सकते हैं. बट प्रोटॉन एट द वेरी सेम टाइम इज लॉक्ड इनसाइड दिस न्यूक्लियस, उसको कम या ज्यादा करना हमारे बस की बात नहीं है. इसलिए प्रोटॉन्स हर एक एटम के लिए फिक्स्ड होते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए फिक्स्ड होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी टेक इट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एटॉमिक नंबर, जिसका डेनोशन मैं करूंगा यहां पर जेड, सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, वेरी सिंपल. सेकेंड इज मास नंबर.
मास नंबर जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं, ये भी अगेन वेरी सिंपल, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को मैं बोलता हूं मास नंबर, जिसको मैं डिनोट करता हूं ए से। आई होप यू आर क्लियर विद बोथ दीज टर्मिनोलॉजीज, एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मास नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, यानी ऑल द स्पीसीज रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द मास ऑफ एन एटम। कि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो लोग हैं जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे मास नंबर के। इसका एक और कारण होता है, इसका एक और कारण ये है, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छी तरह से डील करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स का मास है, ये प्रोटॉन्स का मास है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है प्रोटॉन्स के मास से कि इट कम्स टू अ वेरी नेग्लिजिबल पॉइंट। टेक्निकली आप लोग स्टार मार्क करके लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/1848 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप प्रोटॉन के मास को 1840 से डिवाइड कर दोगे तो जो मास आएगा उसके बराबर होता है। समझ पा रहे इस बात को, इट्स 1/1848 टाइम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। दैट मींस इन जनरल टर्म्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मेरे एक एटम का मास जो होता है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपस में बिल्कुल बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर। तो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं अब करूंगा, आप लोग अपनी सहूलियत से जब भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाहे कर करें। सो प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे एलिमेंट कैसे दिखाई देंगे केमिस्ट्री के अंदर। लेट्स से मेरा जो एलिमेंट है एक्स, यहां नीचे मैं उसका एटॉमिक नंबर लिखूंगा और ऊपर मैं उसका मास नंबर लिखूंगा। एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, जेड इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड ए इज इट्स मास नंबर। ये उसका जनरल डेनोशन है जो कि यूनिवर्सली केमिस्ट्री के सारे फिनोमेनास में या सारे फंक्शनिंग में हम काम में देखते हैं। सो एग्जांपल के तौर पर मैं सबसे पहले बात करता हूं कार्बन की। अब कार्बन का सिंबल आप लोग जानते हैं, सिक्स होता है, एटॉमिक नंबर सिक्स होता है, मास नंबर 12 होता है, क्लियर। लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होता है। थर्ड एग्जांपल आई कैन टेक इज सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो एक और छोटा सा पार्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे वो ये है कि आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, You will be given these symbols here, और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सो सिंपल एज दैट, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां आते देखिए, जो मेरा मास नंबर है वो सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट कर रहा है। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ इज टू बी कैलकुलेटेड, तो मैं सीधा सीधा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा। यानी अगर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दिया तो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इट्स वेरी इजी, क्वेश्चंस को करके देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो इट्स सिंपल एज 6, 1 एंड 11। पर जब मैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मुझे बस इसमें से इस क्वांटिटी को
सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके जितने आए उतने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के केस में। इस केस में हाइड्रोजन के केस में आप क्या करोगे, 1 में से 1 को माइनस कर दोगे क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर भी बन गए, तो अल्टीमेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 0। सोडियम के केस में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप देखोगे 23 में से आपको 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 23 being its mass number, 11 being its atomic number, the further resultant would be 12, कि आपके number of neutrons 12 आएंगे। एक बात मैं clarify कर देता हूँ यहीं पे कि number of neutrons और number of protons में कोई relation नहीं है, इस तरीके का तो बिल्कुल भी नहीं कि जितने number of protons होते हैं उतने neutrons होते हैं, it's very dynamic everywhere। पहले के इस कार्बन के केस में आपने देखा कि जितने protons हैं उतने neutrons निकल के आ गए, दूसरे केस में आपने देखा कि न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, जीरो, जो कि सिर्फ हाइड्रोजन के केस में होता है, स्पेशल केस कि हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स व्हिच कैन बी क्लियरली सीन ओवर हियर। सोडियम के केस में आपने देखा कि प्रोटॉन्स जो है वो कम है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, सो इट्स वेरी डायनामिक, आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में वेरिएशन दिखता रहेगा इन डिफरेंट एलिमेंट्स, हो सकता है कई बार सेम आ जाए, हो सकता है कई बार कम ज्यादा हो, सो इट्स वेरी कोइंसिडेंटल या कोई रिलेशन नहीं, सिंपल एज दैट। यहां तक नोट कर ले प्लीज। सो अब आपने देख लिया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ध्यान से समझिएगा वो है एटॉमिक मास। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले जो हमने पढ़ाया वो मास नंबर है जो कि बिल्कुल सिंपल है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है और कुछ भी नहीं। एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। अब इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, अपना विजुअलाइजेशन बिल्कुल ओपन रखिएगा कि एक एटम जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एन एटम विच कैन नॉट बी क्लियरली सीन विद आवर नेकेड आई, क्या उसका मास कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा? इट्स नॉट एन इजी टास्क, नॉट एट ऑल। तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डिवाइस्ड अ सर्टेन मेथड, हमने एक नया तरीका निकाला है जिसमें हमने क्या करा कि हम एग्जैक्टली तो मेजर कर नहीं पाए कि वो कितने ग्राम्स का है, क्योंकि एक ग्राम भी बहुत ज्यादा हो गया अगर मैं बात करूं एक एटम के मास के रेस्पेक्ट में, कि एक एटम का मास एक ग्राम से भी पता नहीं कितने हजारों गुना कम होता है। सो वी आर नॉट हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर सो प्रिसाइसली मास ऑफ एन एटम, हमारे पास ऐसा कोई तराजू, ऐसा कोई वेइंग बैलेंस नहीं है जिससे हम एटम का मास मेजर कर सकें। सो वी हैव डिवाइस हियर अ मेथड जिसमें हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने अपना अलग मेथड बनाया है जिसमें हमने कार्बन के रेस्पेक्ट में हर एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट किया है। हर एक चीज जो कि आपके आसपास आपको दिखती है, द वुड एज यू सी योरसेल्फ मी एंड एनवायरमेंट विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ द कार्बन ओनली, कि एनवायरमेंट के अंदर मैक्सिमम चीजें जो है वो कार्बन की बनी हुई है, यानी कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो हम हर एक एटॉमिक मास या हर एक एटम का मास कार्बन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी, प्लीज राइट द डेफिनेशन। द रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू WRT, विद रेस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 स्पीसीज की रिलेटिव मास होता है, डायरेक्ट मास नहीं है, कि हम कंपेयर करते हैं कि मैंने कार्बन का एक एटम लिया उसका 1/12 पार्ट, यानी उसका 1/12 पार्ट मतलब मैंने उसके 12 हिस्से कर दिए और उन 12 हिस्से में से एक हिस्सा लिया और उसके रिस्पेक्ट में मैं हर एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने वाला हूं। थोड़ा थ्योरेटिकल है, इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, पर एट द वेरी सेम टाइम आसान है समझना कि रिलेटिव मास, कि किसी के रिलेशन में निकाला गया हुआ मास
ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 स्पीसीज. कार्बन 12 इज द मास नंबर ऑफ कार्बन. तो 12 का 1/12 पार्ट आपका 1 हो जाएगा. उसके रिस्पेक्ट में अगर आप किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका एटॉमिक मास कहलाएगा. जैसे मैं कुछ एक का एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 12, और अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन का होता है 14. ऐसे आप लोग ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग कि एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है. कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में मैं अगर किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी रिगार्डेड एज एन एटॉमिक मास. हियर आर सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. मैं फिर भी कुछ एग्जांपल ले देता हूं आपके सामने. क्लोरीन अगर आप देखेंगे तो 35.5 आता है, ठीक है. ऐसे अगर आप बोरॉन का मास देखेंगे तो बोरॉन का मास आपके सामने होता है 10.8. मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट क्यों नहीं लिख रहा हूं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. थोड़ा सा एक सस्पेंस अगर यहां पे जोड़े तो इनका मास पॉइंट्स में आता है. हाउ इज इट पॉसिबल? इनका मास पॉइंट में आने का जो रीजन है वो कल हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास के तौर पर. इन ब्रीफ इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू कि कोई भी एलिमेंट जरूरी नहीं है सिर्फ एक मास नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करे. हमने नेचर के अंदर स्टडी करके पता किया है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग मास नंबर पजेस कर सकता है. इट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट, इट्स वेरी रैंडम. सो कार्बन भी अगर देखा जाए तो कार्बन के भी 3 मास नंबर होते हैं, 12, 13 और 14. तो कार्बन अकेला भी 3 मास नंबर के साथ एग्जिस्ट करता है. तो इन तीनों मास नंबर का एक एवरेज अगर अपन निकालते हैं वो होता है एवरेज एटॉमिक मास. सो वी विल डू दैट फर्दर इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन whatever has taught to you today, please do take it seriously. इसको revise करें, एक बार दोबारा पढ़ लें. Next class या next video में जो है हम इसके आगे continue करेंगे, atomic mass के आगे continue करेंगे. Thank you.